Hello students, welcome to this channel. I'm your maths teacher. Today I'm class 10th CBSE NCERT book chapter trigonometry exercise 8.2 question number 2 part 2 को यहाँ पे हम solve करेंगे. इस question के part 1 को हमने already solve कर लिया है. आप previous videos also watch कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास question है, choose the correct option and justify your answer. हमें यहाँ पे right answer को choose करना है and then उसे justify also करना है, ठीक है. उसे justify भी करके आपको बताना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं. यहाँ पे 1 minus tan square 45 degree and 1 plus tan square 45 degree, दिस इज योर क्वेश्चन. सबसे पहले तो हमें वैल्यू पता होना चाहिए tan 45 की, क्या होती है tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया है. अगर आपको नहीं याद है देन आप टेबल दे सकते हैं. यहाँ पे देखिए tan एंड देन 45, ठीक है. tan 45 दिस इज वैल्यू 1 होती है. tan 45 की वैल्यू आपके पास 1 होती है. tan 45 की वैल्यू 1 होती है. अभी इसी वैल्यू को हम इस क्वेश्चन में पुट करके सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे देखिए 1 minus tan square 45 यानी कि 1 वैल्यू पुट कर दिया हमने इसका स्क्वायर, एंड देन डिनोमिनेटर में 1 plus tan square 45, 1 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है बच्चों. ये सॉल्व करेंगे. अब देखिए 1 minus 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा एंड 1 plus 1 का स्क्वायर 1 रहेगा. कैलकुलेट करेंगे, 1 से 1 कैंसिल आउट यानी कि 0 आ जाएगा आपका. एंड यहाँ पे देखिए 1 plus 1 दैट इज 2, ठीक है. ये आपका 2 हो जाएगा, जो कि आपका इक्वल है 0 के. 0 के इक्वल है इट मीन्स, अभी देखिए ये 0 के इक्वल है तो 0 में किसकी वैल्यू होती है, डी ऑप्शन आपका, ठीक है. डी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे देखिए, ठीक है. यानी कि tan 0 0 होता आपका, tan 0 डिग्री कोस्ट 0, जो कि आपका डी ऑप्शन है, ठीक है ना. डी ऑप्शन है आपका, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन था, आपको करेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज़ करना था, बट उसे जस्टिफाई भी करना था. इसलिए हमने इसे क्या किया, कैलकुलेट किया है. कैलकुलेट करना बहुत ईजी था. tan 45 की आपको सिर्फ वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू आपको पता थी. आपने क्वेश्चन में क्या किया, यहाँ पे इसको नोट डाउन किया, tan 45 के रिप्लेस पे 1 हमने पुट किया, देन इसका स्क्वायर कर दिया, एंड देन सिंपली हमने इसको क्या किया है, सॉल्व कर लिया. 1 minus 1 का होल ऑफ स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन होगा 1 पे तो 1 ही आ जाता है, राइट बच्चों. देन 1 plus 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ऊपर से 1 minus 1 हो गया जो कि कैंसिल हो रहा था, हमने उसे कैंसिल कर दिया. 0 by 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, यानी कि tan 0 आ गया आपका. tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है बच्चे. tan 0 इज 0, तो आपका ऑप्शन डी इज राइट. यहाँ पे ये 0 डिग्री था tan, tan 0 डिग्री दैट इज योर 0. आई होप आपको एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. इफ आपको मेरी वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.